इसलिए मैं तुम्हारे भाई से मिलने के लिए बेचैन हूँ। सच बोलो ऑसवर्ल्ड, मेरा भाई बहुत ही अच्छा है, तुम्हें पसंद आएगा। अरे टाइम तो देखो, 12:30 हो गए, लोई की बस आती होगी। तुम्हारे भाई के बारे में कुछ बताओ। वैसे वो बहुत अच्छा डांस करता है, जैसे पेंगुइन पोल्का। अच्छा, और मेरे भाई ने दुनिया के अच्छे से अच्छे चम्मच जमा किए हैं, लेकिन मुझसे अच्छे नहीं। अच्छा, ओ और हाँ, उसे मछली बहुत पसंद है। अरे हेनरी, लगता है वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है। वो दिखने में कैसा है? क्या बताऊँ ऑसवर्ल्ड, हम बिल्कुल अलग दिखते हैं। हेलो कजन हेनरी। हेलो कजन लुई। हेलो, मैं हूँ ऑसवर्ल्ड और ये है वीनी। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। हेलो, खाने का वक्त। इतने दिनों के बाद मिलकर अच्छा लगा लुई। तुम्हें मिलाऊं कजन लुई से। मिलकर खुशी हुई कजन लुई। हेलो। अरे ये बोटाई तो अच्छी है। अच्छा चलती हूँ, फिर मिलेंगे डेजी। ये जगह तो काफी अच्छी है हेनरी, बढ़िया चम्मच। हेनरी और मैं यहाँ हमेशा आते हैं, ये हमारी सबसे फेवरेट जगह है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। हेलो दोस्तों। अरे हेनरी, ये कौन है? मैडम बटरफ्लाई, ये मेरा कजन है लुई। ओह अच्छा, हेलो कजन लुई, मिलकर खुशी हुई। हेलो, तो तुम दोनों क्या लोगे? मैं ब्लूबेरी का कस्टर्ड लूंगा मैडम बटरफ्लाई, और एक विनी के लिए भी। आप लोग क्या लेंगे? फिश स्टिक्स, भुनी हुई पर ज्यादा भुनी हुई भी नहीं, और मैकरेल मिल्कशेक, गाढ़ा पर ज्यादा गाढ़ा भी नहीं। मैं अभी ले आती हूँ। और आंटी कांटी कैसी हैं? अच्छी, बहुत अच्छी। मेरा नया घर तो देखो हेनरी। वाह बहुत शानदार है। जरा मैं भी देखूं। बहुत अच्छा है, है ना वीनी? लो हाजिर है फिश स्टिक्स, भुनी हुई पर ज्यादा भुनी हुई भी नहीं, 2 मैकरेल मिल्कशेक्स, गाढ़ा पर ज्यादा गाढ़ा भी नहीं। बिल्कुल वैसा जैसा मुझे पसंद है। ये तुम्हारे लिए, लो वीनी। तो कजिन लुई, तुम्हें बिग सिटी कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा। तुम्हें पता है कजिन लुई, बिग सिटी में सबसे ज्यादा, मैं क्या बोल रहा था, हाँ बिग सिटी में हो गया। बढ़िया, बिल्कुल सही। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग खेलने चलें? आइडिया अच्छा है ऑसवर्ल्ड, क्या कहते हो कजन लुई? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। थैंक यू मैडम बटरफ्लाई। Thank you.
तो कजन लुई, क्या तुम्हें कोई और अच्छा चम्मच मिला? हाँ, सच कहूँ तो कजन हेनरी मिला है। ओ सच्ची? क्या बात है? अभी कल ही तो मैंने एक बड़ा चम्मच खरीदा है। बड़ा चम्मच? ओ वाह वाह, बहुत सुंदर होगा। अच्छी बात है। उप्स। हाँ, बहुत चमकीला है। अच्छा, अपनी बात बताओ हेनरी। अपनी तारीफ तो नहीं करना चाहता, पर मैंने अभी अभी 4 चाय के चम्मच खरीदे हैं। 4? भाई वाह। जानते हो, मैं भी बहुत सारे। उप्स। चलो क्यों ना इस झूले की सवारी करें। हेनरी, कजिन लुई, अब मैं ऊपर। कोई मजा नहीं जब साथ नहीं, हम 3 से हो गए अब 2। कोई खुशी नहीं जब साथ नहीं, हम 3 थे हो गए अब 2। जब तुम साथ नहीं तो कोई मजा नहीं, तुम होते साथ तो बनती थी कुछ बात। ऑस्वाल्ड, उदास क्यों हो? मैंने सोचा था सब मिलकर उस झूले की सवारी करेंगे। अब मैं ऊपर। वो दोनों तो सीसॉ खेल रहे हैं। ऊपर। मुझे छोड़कर। पर उसमें तो सिर्फ 2 लोगों के लिए ही जगह है ना? इसके बाद तुम्हारी बारी होगी। तुम्हें लगता है? लगता नहीं, मालूम है। बहुत हो गया, हम उतर जाना चाहिए। मैंने अभी एक पोलका रिकॉर्ड खरीदा है कजन लुई, चलो हम लोग घर चलकर उस रिकॉर्ड को सुनते हैं। अच्छी बात है कजन हेनरी। चलो आओ ऑस्वाल्ड। क्या हेनरी ने मुझे बुलाया? और क्या, देखा अब तुम्हारी बारी। थैंक यू डेजी, फिर मिलेंगे। बाय बाय। वो तो गए, देख लिया वीनी। वो हमें छोड़कर चले गए। जरा ये सुनो कजन लुई। जल्दी सुनाओ। चलो कजन हेनरी, जल्दी सुनाओ। ऑन ऑफ। लगता है कुछ गड़बड़ है। घबराओ मत, मैं ठीक करता हूँ। ऑन ऑफ, पता नहीं क्या करना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है ऑस्वाल्ड? ऑस्वाल्ड? अरे ऑस्वाल्ड कहाँ है? मुझे लगा तुम्हारे साथ है। और मुझे लगा तुम्हारे साथ है। अरे ऐसा लगता है ऑस्वाल्ड ऊपर पियानो बजा रहा है। अच्छा बजाता है? अच्छा नहीं, वो बहुत ही अच्छा बजाता है। चलो चलकर देखें वो क्या कर रहा है। तुम कहाँ थे? हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। ढूंढ रहे थे? बिल्कुल, मुझे लगा तुम उसके साथ हो। और मुझे लगा तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हो मेरे दोस्त, बिल्कुल जरूरत है। हेनरी ने बताया तुम बहुत अच्छा पियानो बजाते हो। ऐसा कहा? और कहा तुम बहुत अच्छे भी हो। सच्ची? हाँ बिल्कुल दोस्त,
कजन लुई भले ही मेरा भाई है पर तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। थैंक यू हेनरी। अरे चलो ना तुम्हारे घर चलकर तुम्हारा नया पोल का रिकॉर्ड सुने। ओ नहीं सुन सकते ऑसवर्ल्ड, मेरा रिकॉर्ड प्लेयर नहीं चल रहा। ओ, तो क्या हुआ? पेंगुइन पोलका। कितनी अच्छी है ना, अपने बागीचे से हमें टमाटर लाकर दिए। मुझे बहुत पसंद है ये लाल रसीले पके हुए टमाटर। वाह, एक मिनट, क्यों ना हम अपना खुद का टमाटर का बागीचा बनाएं? फिर हर दिन हम ताजा टमाटर खा सकते हैं। चलो दोस्त। यहाँ पर धूप ज्यादा है और यहाँ पर छांव ज्यादा है। ओ हाँ, ये जगह बिल्कुल सही है हमारे टमाटर के बागीचे के लिए। सही छांव, सही धूप। चलो टमाटर का एक पौधा खरीदते हैं। हेलो बिंगेट। हेलो ऑसवाल्ड। हेलो वीनी। कहो क्या मदद कर सकती हूँ? हम एक बागीचा बनाना चाहते हैं। ओ बागीचा, मुझे पता है तुम्हें कौन सा पौधा चाहिए। गाजर, ये मैंने खुद उगाया है ना खूबसूरत। हाँ हाँ, पर हमें तो टमाटर का बागीचा बनाना है बिंगेट। या तरबूज, क्या इससे बढ़िया तरबूज देखा है तुमने ऑसवाल्ड? सच कहना। नहीं, पर मैं कह रहा हूँ मुझे टमाटर का बागीचा बनाना है। अभी लो। अरे शायद यही टमाटर का पौधा है। आहा, ये वाला पौधा तो बहुत ही निराला पौधा है ऑसवाल्ड। और इसमें से हर रात एक टमाटर उगता है। एक टमाटर काफी है हम दोनों के लिए, है ना? मदद के लिए शुक्रिया बिंगेट। ये तो मेरा फर्ज है। चलो दोस्त, अपना टमाटर का पौधा लगाते हैं। चलो शुरू करते हैं। टमाटर उगाए बागीचे में, खोद जमीन गोल गोल और इसे फिर रखे यहाँ। उगेगा फल कल यहाँ, जरा थपथपाओ खूब सजाओ, पानी छिड़काओ फिर देखते जाओ। छोड़ दो रात भर, सुबह होगी तो टमाटर। चलो हो गया, अंदर चलकर टमाटर के उगने का इंतजार करते हैं। गुड नाइट टमाटर के पौधे।
देखो वीनी, एक टमाटर कितना रसीला लग रहा है। मैं इंतजार नहीं कर सकता कब ये लाल रसीला टमाटर। और ये क्या, कोई हमारा टमाटर आधा खा गया? पर कौन? देखो वीनी, ये दोनों हमारा टमाटर खा रहे हैं। इन्हें भी लाल रसीला पका हुआ टमाटर पसंद है। ये भी ले लो दोस्तों, लगता है हमें एक और टमाटर का पौधा लगाना पड़ेगा, एक इनके लिए और एक हमारे लिए। चलो बिंगेट के पास चलते हैं। हेलो बिंगेट। ओ हेलो ऑस्वाल्ड, बागीचे के लिए कुछ चाहिए? हाँ। ओ मैं समझ गई, तुम्हें चाहिए मूंगफली का पौधा। असल में बिंगेट, हमें एक और टमाटर के पौधे की जरूरत है। ये वाला अच्छा है, हमारे पास दो पौधे होंगे, एक होगा हमारे लिए और एक उन स्नेल्स के लिए। थैंक यू बिंगेट। अरे कोई बात नहीं। चलो काम पूरा हुआ, अंदर चल के अपने टमाटरों के उगने का इंतजार करते हैं। गुड नाइट टमाटरों के पौधों। अरे वाह, दो दो टमाटर, दो बड़े लाल रसीले पके हुए। ये क्या हुआ, दो छोटे स्नेल्स इतने बड़े दो टमाटर कैसे खा सकते हैं? अरे वीनी, यहाँ तो दो नहीं बल्कि चार हैं। इन्हें भी लाल रसीले पके हुए टमाटर पसंद हैं। ये भी ले लो दोस्तों, लगता है हमें और टमाटर के पौधों की जरूरत होगी वीनी। चलो वापस बिंगेट के पास चलते हैं। हेलो बिंगेट। ओह हेलो ऑस्वाल्ड, मुझे लगा था कि तुम जरूर वापस आओगे। इसे जरा देखो, है ना अजीब सा जेली बेरी पौधा। नहीं बिंगेट, हमें टमाटर के और पौधों की जरूरत है। देखो इतने से ही बचे हैं। एक दो तीन चार, ये सारे दे दो, अब तो सबके लिए काफी टमाटर होंगे। थैंक यू बिंगेट। अरे कोई बात नहीं। अंदर चलकर इन टमाटरों के उगने का इंतजार करते हैं। गुड नाइट टमाटरों के पौधों। वाह जरा इन टमाटरों को तो देखो, सभी लाल रसीले और पके हुए हैं। पर शायद ये भी, अरे ये क्या, वीनी जरा इन टमाटरों को देखो, सभी आधे खाए हुए हैं। अरे ये बागीचा तो स्नेल से भरा हुआ है।
बस और नहीं, मैं टमाटर के पौधों को अंदर ले जाता हूँ जहाँ इन्हें कुछ नहीं होगा। चलो वीनी। हम ये सारे टमाटर इनके साथ बांट भी सकते हैं। मैं जानता हूँ कि इन स्नेल्स के लिए और क्या करना चाहिए। चलो विनी, काम पर लग जाते हैं। चलो हमारा काम हो गया, चार पौधे स्नेल्स के लिए और दो हमारे लिए। वीनी, गुड इवनिंग, ये आपके लिए, मजे से खाइए। इस तरफ आइए, ये होटल आप ही का है। आखिर में एक लाल रसीला पका हुआ टमाटर।